ये अलग बात है, लेकिन तैयारियां यहाँ पर भरपूर प्रॉपर की जा चुकी है और इसको शायद घुमाया जा रहा है मेरे ख्याल से। हाँ, से घुमाने का काम कर रहे हैं फिलहाल। टूल यहाँ पर मौजूद है और ये प्रॉपर यहाँ पर, और अगर यहाँ से मैं बात करूँ शाह फैसल इंटरचेंज की, जो कि सामने आपको ब्रिज वगैरह भी नज़र आ रहा है, ये पाइप वगैरह तैयार किए जा रहे हैं। देंगे चार आपके कुरंगी EBM। क्वेश्चन याद आया, मुझसे लास्ट एक और क्वेश्चन पूछा गया था, ये तमाम एरिया का ये हो गया आपके। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आतिफ अहमद चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। मैं इस वक्त जिस लोकेशन में मौजूद हूँ, शाह फैसल इंटरचेंज के बिल्कुल ये पास मौजूद है और यहाँ पर एक टूल प्लाजा बनने जा रहा है, जिसके लिए मैंने पहले भी आप तमाम लोगों को अपडेट की थी। आज 4 दिन हो गए, आज मज़ीद यहाँ पर अपडेट करने के लिए आया हूँ। जिस तरह मैंने आप तमाम लोगों को पहले ही बताया था कि यहाँ पर कुछ फाउंडेशनें बननी है, 4 फाउंडेशनें इस तरफ और 4 फाउंडेशनें दूसरी साइड पर बनाई जानी है, जिसके लिए स्टील वगैरह आज यहाँ पहुँच गया है। लीन वगैरह यहाँ पर प्रॉपर की जा चुकी है और लेआउट वगैरह भी हो चुका है और स्टील यहाँ पर आ चुका है और कहा जा रहा है कि इंशाल्लाह बस कुछ ही टाइम में इसकी भराई वगैरह यहाँ पर कर दी जाएगी। मैं सब टूल प्लाजा में मौजूद हूँ, डेली बेसिस पे यहाँ पर ब्रेस वगैरह लगाने का काम चल रहा है। ये एक स्टूल आप देख सकते हैं, ये स्टूल यहाँ पर मौजूद है और ये प्रॉपर यहाँ पर ब्रेसेस वगैरह वेल्डिंग वगैरह काम चल रहा है। टीम डेली बेसिस पे यहाँ पर आती है, काम करती है। और दूसरा, मैं यहाँ पर कुछ कंक्रीट्स वगैरह के यहाँ पर हो चुकी हैं, उसके लिए भी मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर क्यूरिंग वगैरह की गई है, पानी वानी यहाँ पर लगा हुआ आप तमाम लोगों को नज़र आ रहा होगा, दिख रहा होगा। लास्ट टाइम उससे इन पाइप्स के हवाले से जो UPVC पाइप्स हैं इनके लिए पूछा गया था, तो इसके लिए मैंने बता दिया था ये क्रेक्स वगैरह और जॉइंट्स वगैरह लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सिविल एंड से इसके लिए एक बताया गया था, वो मैंने तमाम डिटेल उस क्वेश्चन के ऊपर मैंने शेयर कर दी थी कि UPVC पाइप क्रेक्स वगैरह विजिबल होने, जॉइंट्स वगैरह लगाने के लिए यहाँ पर एज रिक्वायरमेंट यूज़ किया जाता है। ये सब टूल प्लाजा में मौजूद हूँ। दूसरा, यहाँ पे मज़ीद कुछ डिटेल मेरे पास आई है, मज़ीद डिटेल मेरे पास आई है। मैं टूल प्लाजा के नीचे से होता हुआ जाऊंगा, कोशिश करूंगा इस पूरे को कवर करते हुए आप तमाम लोगों को इसके मुतालिक में दिखाऊं और अपडेट भी करूं। ये टूल प्लाजा, ये टोटल जो टूल इस पूरे प्रोजेक्ट पे मलिर एक्सप्रेस वे पे बनाए जाएंगे, ये तकरीबन 22 टूल इस तरह के बनाए जाएंगे। कोई भी गाड़ी इन होती है या आउट होगी तो वो उससे चार्जेस वगैरह जो भी मतलब पैसे लिए जाएंगे टूल के, वो चार्ज किए जाएंगे। 4 टूल प्लाजा आपके जाम सादिक ब्रिज के ऊपर बनाए जाएंगे, 4 आपके कुरंगी EBM कॉजवे पर बनाए जाएंगे। उसके बाद 9वां, ये जिस लोकेशन पे मैं मौजूद हूँ ये है, ये बड़ा टूल प्लाजा। उसके बाद 4 शाह फैसल इंटरचेंज पर बनाए जाएंगे। साथ साथ मैं आपको कंक्रीटें भी दिखाया जा रहा हूँ जो कंक्रीट्स हो चुकी हैं। दूसरा, एक मुझे अभी क्वेश्चन याद आया, मुझसे लास्ट एक और क्वेश्चन पूछा गया था, ये तमाम एरिया कवर किया जा चुका है और स्टेप बाय स्टेप मज़ीद कवर किए जा रहे हैं। दूसरा, मुझसे क्वेश्चन किया गया था कि ये जो टूल प्लाजा है इसके नीचे भी कंक्रीट की जाएगी, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, बिल्कुल इसके नीचे भी कंक्रीट की जाएगी, इसको भी प्रॉपर इस कंक्रीट से कवर किया जाएगा। ये कंक्रीट तकरीबन 1.5 फुट के करीब है और इसका मकसद ये है कि यहाँ पर अगर कोई हैवी वेट गाड़ियाँ, व्हीकल्स, ट्रॉलर्स वगैरह आके रुकते हैं या इसके ऊपर चलें, तो कम से कम यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई क्रेक्स वगैरह, कोई चीज़ सेटलमेंट वगैरह ना हो। इस वजह से ये प्रॉपर यहाँ पर कंक्रीट की जा रही है, क्योंकि नॉर्मल जब गाड़ियाँ आके रुकती हैं तो उनका लोड ट्रांसफ़र होता है, तो उसके लिए प्रॉपर यहाँ पर कंक्रीट वगैरह की जा रही है। सामने रास्ता कुरंगी EBM कॉजवे की तरफ से आता है और अगर मैं बात करूं यहां से इस टूल प्लाजा से कुरंगी EBM कॉजवे तकरीबन 5 किलोमीटर है, और अगर यहां से मैं बात करूं शाह फैसल इंटरचेंज की, जो कि सामने आपको ब्रिज वगैरह भी नज़र आ रहा होगा, पहले भी मैं अपडेट कर चुका हूं, ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर के करीब बनेगा। मैं थोड़ा सा जूम करके भी मज़ीद दिखा देता हूँ। सामने आप लोगों को कुरंगी EBM दिख रहा होगा, सॉरी शाह फैसल इंटरचेंज दिख रहा होगा और ये ब्रिज भी दिख रहा होगा, साथ साथ आपको जाता हुआ गाड़ियाँ भी चल रही हैं। ये तो 2 डॉगी यहाँ बैठे हैं,
इंजॉय कर रहा है। एनीवे सामने करंगी इंडस्ट्रियल एरिया, और इसके मुतालिक मैं आप लोगों को बता रहा था कि टोटल 22 टूल्स ये बनेंगे। नवा टूल प्लाजा, नवा टूल ये है, इसके बाद 4 टूल बनेंगे शाह फैसल पे 9, 4, 13, फिर 4 टूल बनेंगे आपके कादाबाद पे, ये हो गए आपके 17, और 17 के बाद 4 टूल आपके बनेंगे मेमन के ऊपर, जो आपके हो गए 21, और उसके बाद 22वां टूल आपका काठोर के पास बनेगा। तो इस हिसाब से टोटल 22 ये टूल बनाए जाएंगे। कोई भी गाड़ी इन होगी आउट होगी तो वो पैसे लिए और दिए बगैर नहीं जा सकेगी। ये आज की लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तमाम लोगों के लिए। ये मेन और इसके बाद काठोर, ये 2 मेन टूल हैं। ये तमाम में चीज़ें तमाम यहाँ से आपको डिज़ाइन वगैरह यहाँ से दिखाने की और अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छी से अच्छी और लेटेस्ट अपडेट तमाम लोगों के साथ शेयर करूँ। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 22 टूल और बनाए जाएंगे इसको मिलाकर, ये काम अभी चल रहा है। 2 और 2 4 कॉलम्स यहाँ बनाए गए हैं, और मज़ीद 2 इस तरफ और मज़ीद 2 उस तरफ फाउंडेशनें और बनाई जाएंगी। इस टूल प्लाजा पे तकरीबन जो भी काम था ब्रेसेस इंस्टॉलेशन का, एंगल इंस्टॉलेशन का, वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अगर देखा जाए तो सिर्फ ये 3 जो पार्ट हैं सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ें रह गई हैं, बकाया तकरीबन मुकम्मल नज़र आ रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पर टीम एक प्रॉपर यहाँ काम कर रही है, और इसके अलावा जो मज़ीद मैंने बताया था 4 फाउंडेशन यहाँ पर और बननी है, उनके भी ये पाइप वगैरह तैयार किए जा रहे हैं। ये आपके सामने यहाँ की पोजीशन, ये तमाम यहाँ पर पाइप वगैरह तैयार किए जा चुके हैं, और जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया समझाया कि 22 यहाँ पर टूल बनेंगे, तो उसके लिए मज़ीद यहाँ पर मटेरियल तैयार किया जा रहा है। अब वो बेशक यहीं से ट्रांसफ़र किया जाए, यहीं से आगे भेजा जाए, ये अलग बात है, लेकिन तैयारियाँ यहाँ पर भरपूर तरीके से जारी हैं। जो जो पाइप यहाँ तैयार हो चुके हैं, यह आप लोगों को दिखाने का बताने का मकसद ये है कि भरपूर तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है। ये भी पाइप तैयार हो चुका है, और इसको क्रेन के ज़रिए उठा के मैं वहाँ शायद यहाँ पर रखने की तैयारी चल रही है, जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ। ये क्रेन यहाँ पर मौजूद है, और इस पाइप को तैयार, इस स्ट्रक्चर को तैयार करने के बाद अब इसको यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। सराउंडिंग के व्यूज़ में एक दफ़ा आप तमाम लोगों को दिखा दूँ। दूसरा, यहाँ पर इस एग्रीगेट को बिछाने के लिए भी तैयारियाँ चल रही हैं। एग्रीगेट यहाँ पर आ चुका है, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ आप तमाम लोगों को। एग्रीगेट यहाँ पर आ चुका है, इस पूरे कंक्रीट के ऊपर इसको बिछाया जाएगा, ले किया जाएगा। इस वक्त ये स्ट्रक्चर इसको शायद घुमाया जा रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ से घुमाने का काम कर रहे हैं फ़िलहाल, इसको घुमा के दूसरी साइड की तरफ कर रहे हैं, ताकि वेल्डिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से जो रह गई है, एक साइड पर ही वेल्डिंग वगैरह कर दी गई है, दूसरी साइड पर इस वक्त वेल्डिंग करने का काम किया जा रहा है। आज 8 तारीख है, 1 जुलहज है, और अभी मगरिब के बाद दूसरी जुलहज लग जाएगी। तकरीबन 7:15 बजे का ही टाइम है, मगरिब अभी होने वाली है, और मैं सब यहाँ पर मौजूद हूँ। ये इसकी डायरेक्शन चेंज की गई है वेल्डिंग वगैरह, क्योंकि एक साइड से कर दी गई थी, दूसरी साइड से करना भी बाकी थी, तो उसके लिए इसको क्रेन के जरिए इसकी डायरेक्शन चेंज की जा रही है।
आप तमाम लोगों की सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास उसके लिहाज से मैं अपडेट कर सकूं। इसके पाइप्स के मुताबिक क्वेश्चन था वो मैंने क्लियर कर दिया। यहाँ पे कंक्रीट्स के मुताबिक क्वेश्चन था वो मैंने आप तमाम लोगों को क्लियर कर दिया कि यहाँ पर भी वो कंक्रीट्स की जाएंगी। और कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिएगा। आप तमाम लोगों की सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। ऐसी सपोर्ट जारी रखें। शुक्रिया।